नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रविवार सुबह बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 15 जून को गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के कराची के बीच लैंडफॉल करने की संभावना। वहीं IMD ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को चक्रवात के तेज होने के कारण मुंबई से एयर इंडिया की कई उड़ानें या तो देरी से चल रही हैं या तो रद्द कर दी गई हैं। साल 2023 का दूसरा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भयंकर से अति भयंकर तबाही मचाने वाला है। 15 जून को गुजरात के अंदर ये तूफान दोस्तों आने वाला है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं। उधर दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है, साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यह तूफान इस समय पाकिस्तान के अंदर जमकर तबाही मचा रहा है। 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, हजारों घर खत्म हो गए हैं, बिजली इंटरनेट सेवा ठप हो गई है, हजारों घरों के अंदर बिजली नहीं आ रही है, जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, बिजली के पोल गिर गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जनजीवन अस्त व्यस्त। और अब ये तूफान भारत के अंदर आने वाला है। मुंबई के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई के अंदर भयंकर से अति भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।